नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूं आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूं अनम गौहर। माय नेम इज यूनुस खान एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको जुम्मा मुबारक। लेकिन आज जुम्मा नहीं है, आज बुध है। बुध बाजार भी लगता है, जुम्मा बाजार भी लगता है, और संडे मार्केट भी लगता है। वो बिल्कुल, इनकी दुकान पे जाएं, संडे मार्केट में लगाती हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैंने आज जुम्मा क्यों कहा। एक तो मैं तंग हूँ लोगों से जो फोटोज अपलोड करते हैं, स्पेशली लड़कियां। जुम्मे के टाइम पे लड़का निकल रहा है नमाज पढ़ने के लिए, लड़कियों की फोटोज देखता है फेसबुक पे, जुम्मा मुबारक, हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे। ठीक है, आप करें, आप भी करते हैं। नहीं, मैं देख के परेशान हो जाता हूँ। बंदा जुम्मा पढ़ने जाता है कि और निकल जाता है। क्यों देखते हैं आप लड़कियों की तस्वीरें? फिर ऐड बहुत है, मुझे लड़के ऐड बहुत करती है, यू नो आई एम अ स्टार ऑफ मॉर्निंग शो। एनीवेज, कमिंग टू माय टॉपिक, ये ब्लैक फ्राइडे की बात करना चाहता हूं मैं। ब्लैक फ्राइडे क्या है? ब्लैक फ्राइडे एक कल्चर है यूएस का, जो ये सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ये 2005 से स्टार्ट हुआ ब्लैक फ्राइडे। ये बेसिकली क्यों था, मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे बैक स्टोरी बता दूं कि थर्सडे को जो लास्ट थर्सडे होता है क्रिसमस से, बेसिकली इट्स द स्टार्ट ऑफ क्रिसमस फेस्टिवल। लोग शॉपिंग्स करते हैं, डिफरेंट चीजें करते हैं। जो फ्राइडे है, ये क्या होता था, थर्सडे सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है, यूएस में। थर्सडे को एक थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। बहुत लोग काम पे जाते हैं, बहुत लोग काम पे नहीं जाते। फिर लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि फ्राइडे को अपने ऑफिस में या शॉप पे कॉल करके बोलते थे कि हम बीमार हैं, क्योंकि वो चाहते थे चार लॉन्ग वीकेंड जो है ना इंजॉय करें। फिर एक टाइम पे लोगों ने शॉपिंग पे करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक ही कल्चर बन गया कि ब्लैक फ्राइडे को शॉपिंग। एट टाइम ऐसा भी हुआ कि 12 बजे रात को, थर्सडे की नाइट को, मतलब जो 12 बजे लगता है फ्राइडे लग गया, शॉप्स खुल गई और ये सेलिब्रेट होता है। और फिर पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेट किया जाता है। और बहुत सारी शॉप्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं, वो 50% ऑफ, 30% ऑफ, जस्ट टू बूस्ट क्रिसमस सेल्स। बट यूनुस, मुझे ये बताएं कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी, आखिर क्यों जो है वो इस फ्राइडे को स्पेसिफिक जो है वो मनाते हैं लोग? उसके लिए सना आपको मेरे साथ 1894 में जाना पड़ेगा। ओके, चले अब सब आंखें बंद करें, मैं टाइम ट्रेवल कराता हूँ। दो तीन रह गए इधर, कोई मसला नहीं है, उनको नेक्स्ट ट्रिप में ऐड करेंगे। 24 सितंबर 1869 में एक गेम हुई। अमेरिका में दो भाई थे जो वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसर्स थे, रूथलेस, जे ग्रोड और जिम फिक्स। ये दो लोग थे जो, इन्होंने क्या प्लान किया, इन्होंने बोला कि जितना भी नेशन वाइड सोना है, गोल्ड है, वो हम परचेस करेंगे। अच्छा, अब गवर्नमेंट बैठी हुई थी इंतजार में, उनको ये मिल गई अफवाह। उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट में गोल्ड रिलीज कर दिया। अब तब 18% जो था मार्केट में सप्लाई बढ़ गया गोल्ड का, गोल्ड के रेट्स कम हो गए। जब इन्होंने खरीदने की कोशिश की, बहुत सारे उनको अपना लॉस हुआ। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट लोग थे जिन्होंने अपने फॉर्च्यून्स बना लिए। आपको समझ में आ रही है, जैसे कि सप्लाई एकदम से आ गई, कम हो गई तलब और रसद वाला वही जी, कम हो गया रेट, और फिर लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया। हाँ। जब खरीदना स्टार्ट किया, सब कूद गया मार्केट में, तो इनको नहीं मिला। तो ऐसा बहुत सारी लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, गेम चेंजिंग प्लान कह सकते हैं, कि हम आगे जाके बेचेंगे ज्यादा पैसों में, लेकिन ये हो गया। और उससे क्या हुआ, जो स्टॉक एक्सचेंज थी वहां की, यूएस की, वो क्रैश हो गई। वो ब्लैक फ्राइडे था, तबाह हो गए लोग, बड़े बड़े लोग जो है तबाह हो गए, और जो छोटे छोटे लोग थे वो अमीर हो गए। ठीक है यूनुस, ये तो समझ में आ गया। अब ये भी बताएं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और क्यों ना इस टॉपिक पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो जाए। As always. एक ये थ्योरी ये है कि ब्लैक फ्राइडे बिकॉज ये ब्लैक से होता था। ब्लैक जो एक नेशन है, जो ब्लैक कलर है, उन लोगों के साथ जुल्म होता था। यूजली क्या होता था, फ्राइडे वॉज द डे जब ये सेल्स होती थी ब्लैक की। आई एम टॉकिंग अबाउट 1800s, अर्ली 1800s। वहां पे ब्लैक फ्राइडे यूजली किया जाता था कि एक स्टेज पे ब्लैक स्लेव्स को आके खड़ा कर दिया जाता था और उनसे कहा जाता वो लगाएं, बोली लगाएं। वो कहता था $2, वो कहता $3, खुद की शक्ल आधे डॉलर की भी नहीं है, लेकिन ब्लैक स्लेव खरीदना है। ये एक बेसिकली थ्योरी थी। और फिर फर्दर होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक कल्चर स्टार्ट होता है, कोई ओकेजन या कोई इवेंट सेलिब्रेट होता है, विद पैसेज ऑफ टाइम उसका मतलब चेंज होता रहता है। और इसके साथ भी यही हुआ ब्लैक फ्राइडे। 2005 से ऑनवर्ड्स यूएस में ये सेलिब्रेट किया जाता है ब्लैक फ्राइडे। अच्छा यूनुस, मेरा एक सवाल है आपसे कि ये ब्लैक फ्राइडे से ब्लेस्ड फ्राइडे ये कन्वर्ट हुआ, काफी सालों से मैं भी सुनती भी आ रही हूं, पहले ये ब्लैक फ्राइडे था, फिर ये ब्लेस्ड फ्राइडे हुआ, तो ऐसा क्यों? देखें, ये पाकिस्तान में बेसिकली है, और मेरे ख्याल से मुस्लिम एरियाज में होता होगा, बट पाकिस्तान में मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हमें ये एक्सेप्ट करने में क्यों मौत पड़ रही है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि ब्लैक फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे हमारा एक होली दिन है, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू,
अच्छी बात है कि हमारा जुम्मा अच्छा दिन है, लेकिन हमारे मजहब में भी तो है ना कि ब्लैक को एक्सेप्ट करना है। ब्लैक क्यों, व्हाइट को ब्लैक के ऊपर कोई वो नहीं है, सुपीरियरिटी नहीं है, सेम गोज वाइस वर्सा। तो सेम चीज है कि हमें एक इश्यूज है। ये प्रॉब्लम हुआ था मेरे ख्याल से 2 साल पहले जब लोगों ने एक सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट कर दी थी फॉर पर्टिकुलर ऐप, ब्लैक फ्राइडे नहीं होना चाहिए, हमारा जुम्मा 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 ये नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ब्लैक फ्राइडे तो, और ये जो होता है जुम्मा मुबारक के बारे में बात किया करें ना आप, जुम्मा मुबारक। अच्छा मुझे जैसे कि ये फेसबुक वाले जो स्टेटसेस हैं वो ना लगाए तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आज जुम्मा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लेस्ड फ्राइडे है वो सुनने में बड़ा खूबसूरत लगता है। आई एम जस्ट कंप्लीटिंग योर आंसर। मैं ये कहना चाहता कि ठीक है एक सोशल मीडिया कैंपेन हुई, प्रेशर हुआ लोगों पे और फिर जाके ब्लैक फ्राइडे को ब्लेस्ड फ्राइडे कर दिया। मैं कहता हूँ ये पहले खुद क्यों नहीं किया, ये थॉट खुद क्यों नहीं आया। आप लोगों का रिएक्शन देखते हैं और फिर हमारा हमारे मुल्क में रिलीजन को वैसे थोड़ा सा एक तरह से हम जज्बाती हो जाते हैं, ठीक है दैट्स आवर राइट टू बी जज्बाती। बट हैविंग सेड दैट, ब्लेस्ड फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे इट्स अ सेल फॉर वुमन एंड मेन, तो जाएं खरीदें। और ये 26 नवंबर को तो गुजर गई बट उसके 2-3 दिन अभी और है। अच्छा मुझे ये सवाल पूछना है कि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है और ये रिलीजियस ही पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज आप आंसर दीजिएगा अगर आपको आंसर पता हो। बहुत सारे लोग जो ब्लैक फ्राइडे और ब्लेस फ्राइडे सिर्फ शॉपिंग वे में देखते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि हमारे जो लाइक यू नो क्रिश्चियन जो हमारे यहाँ पर लोग रहते हैं या पूरी दुनिया में जो रहते हैं उनके क्रिसमस से पहले ये लोग ब्लेस फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा पूछने का सवाल ये था कि ये सिर्फ आप शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहे हैं कि लोग सेल्स में जाते हैं लोग या दूसरे वे में भी, मतलब दूसरे वे में इन सेंस कि यहाँ पर तो ऐसे इतना क्रिसमस इवेंट्स नहीं सेलिब्रेट किया जाता लेकिन पूरी दुनिया में किया जाता और अरब ममालिक में भी किया जाता है। तो ये सिर्फ प्रे के मतलब सिर्फ शॉपिंग के वे में आप कह रहे हैं या प्रे के वेज में भी कि लोग वहाँ पर अपने शॉप से जो भी जहाँ भी काम करते थे। तो कहने का मकसद ये कि ये एक क्रिसमस सीजन को स्टार्ट करने का है और ब्लैक फ्राइडे अब बहुत सारे ऐसी एप्स इंटरनेशनल जो जुलाई में ब्लैक फ्राइडे कर रहे होते हैं जनवरी में कर रहे होते हैं, बेसिकली ये क्रिसमस को लेकर लोगों ने स्टार्ट किया। ये जो ब्लैक फ्राइडे है ये इस पे एतराज़ मुस्लिम्स नहीं किया है ना, बिकॉज जो वहाँ के लोग थे उन्हें तो इस्लाम से कोई एतराज़ नहीं है। लाइक पर्टिकुलरली ब्लैक को अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि जुम्मा पाक मुबारक दिन है तो उसे ये काला मतलब ब्लैक फ्राइडे ना बोला जाए। आई थिंक सिर्फ एशियन एशियन ने इसकी अगेंस्ट है, अरब्स नहीं है। मैंने अरब्स बहुत सारे लोग देखे हैं वो ब्लैक फ्राइडे यूएस की चीज के अगेंस्ट है, वो एग्जैक्टली वो ब्लैक फ्राइडे ही करते हैं। ये सिर्फ एशियन जो पाकिस्तान कह लें बांग्लादेश कह लें। अच्छा मुझे पर्सनली ये फील होता है कि ठीक है ब्लेस्ड फ्राइडे भी है हर चीज़ है, लेकिन वो लोग खास तौर पर जो साल के एंड में जो है वो डिस्काउंट दे रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों पे सेल लगा रहे होते हैं वो तब कहाँ जाते हैं जब रमज़ान हमारे यहाँ होते हैं तो वो तमाम तर जो चीज़ें होती हैं वो तो आसमानों से बातें कर रही होती है। अच्छा मुझे ये लगता है कि हमारा जो पूरा मंथ है उसमें मेरे ख्याल से जो है वो सेल देनी चाहिए, उसमें डिस्काउंट देने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर तो ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं लगाया जाता ऊपर से, और जो प्राइस होती है वो हवाओं से बातें करने लग जाती है। मैं यही कहता हूँ कि जो गोरे हैं वो हमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि यहाँ पे कमाने का तो महीना है हमारे यहाँ, हमने मजबूरी का फायदा तो उठाना है। Exactly. 10 रुपए की बोतल 30 रुपए की बेचेंगे हम, 100 रुपए के केले हम 300 रुपए के बेचेंगे, हमें फायदा है। रमजान बरकत का महीना है, हम पैसे ना कमाएं, ज्यादा अच्छे इंसान है गोरे कमा ले हम ना कमाएं। एनीवेज ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है डिफरेंट टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मैं अपनी एक और बड़ी मज़ेदार सी न्यूज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी नहीं है लेकिन एक लड़की के ही बारे में है और ये काफ़ी दिलचस्प है। मुझे लगता है कि ये जो लड़की की कहानी है वो मशहूर है इस टाइटल से जिसका नाम है द ग्रीन आई गर्ल। उनको इस नाम से पहचाना जाता है और उनको काफ़ी रिकग्निशन मिली है, मतलब क्या ही करीना कपूर को मिली होगी जो उनको मिली है। तो एक 1985 की बात है, एक फोटोग्राफर थे स्टीव मैकरी नाम से, जो कि अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पाकिस्तान में एक कैंप लगा था जब ये सोवियत बेसिकली बता दी चलो सोवियत यूनियन ने जब हमला किया था
और उनका उस वक्त कब्जा चल रहा था, तो अफगानिस्तान पे, जी अफगानिस्तान के जो लोग थे वो वहां से माइग्रेट कर रहे थे, अफगानिस्तान में खाना जंगी हो चुकी थी, तो उसमें लोग जो है काफी हड़बड़ा गए थे, तो पाकिस्तान ने यहाँ बड़ा सपोर्टिंग हैंड बन के उनके लिए कैंप लगाया था। तो उसमें ये जो लड़की थी, इनका नाम शरबत गुल्ला था, तो ये जो लड़की थी काफी माशाल्लाह से होनहार बहादुर थी, हालांकि बहुत छोटी सी इनकी उम्र थी, और ये इसने, इस लड़की ने अपने एक भाई और तीन बहनों के साथ पहाड़ों से चल के पैदल अफगानिस्तान से पाकिस्तान के कैंप्स में आके पना ली। तो वहाँ पे हुआ ये था कि वो जो फोटोग्राफर थे, वो जो उस कैंप में थे, नासिर बाग रेफ्यूजी कैंप में थे, वो अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए तस्वीर खींच रहे थे वहाँ पे, तो अचानक से इस लड़की, इन्होंने रेड स्कार्फ लिया होता सर पे, और उनकी नज़र पड़ती है इस छोटी सी उम्र की बहुत खूबसूरत सी हरी आँखों वाली लड़की पे। तो एकदम से जब वो कैमरा में देखती हैं तो उनका एक लुक कैप्चर कर लिया उस लड़की का, तो शरबत गुल्ला की जो ये पिक्चर थी उस पर इनको द कवर गर्ल के नाम से जानने लग गए लोग, और वेस्ट काफ़ी दिलचस्पी लेने लग गया था इस लड़की में कि भाई ये कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ से इनका ताल्लुक है, क्या करती है, और एक लड़की जो कि इतना अनयूजुअल तरीके से अपनी जगह छोड़ के अफगानिस्तान से पाकिस्तान अपने इतनी छोटी सी बहन भाइयों को लेके आई है, तो वेस्ट जो था इस चीज़ को लेकर काफ़ी हैरान परेशान था, तो वहाँ से इस लड़की को खोजने की तैयारी शुरू हुई। उसके बाद हुआ ये कि ये जो शरबत गुल्ला नामी लड़की थी, इनकी शादी होगी कोई तकरीबन 12, 13, 16 साल के बीच में कहीं, इनके बच्चे हुए दो तीन इनके, और एक जो इनका आखिरी चौथा बच्चा था उनका तो खैर इंतकाल हो गया, फिर इनके साथ बहुत सारे हादसा हुए, इनके शौहर को हेपेटाइटिस से हो गया, फिर वो इंतकाल कर गया, और 2012 में ये बेचारी बेवा हो गई। अना मुझे एक बात बताएं कि आवाम को भी ये जानना है कि उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया था, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। और यूनस एक और छोटा सा सवाल अनम, मैं ये पूछना चाहती थी कि ये पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तान कितने साल रही थी? अच्छा, इस पे पहले तो मैं आपके यूनिस क्वेश्चन का, जी 2016 में भी हाल ही में डिपोर्ट किया गया था, क्योंकि वो ना फेक आइडेंटिटी अपने जो, जैसे कि जाली दस्तावेजात बना के रहती हैं, उनका नकली आइडेंटिटी कार्ड था, और इस पे उनको गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था कि वो नकली शनाख्त पे रह रही हैं, इस वजह से उनको डिपोर्ट करके भेज दिया गया। और जो आपने क्वेश्चन किया था कहा, तो उसका जवाब ये कि इसके बारे में दो बातें कही जा रही हैं, कि एक तो वो 2002 में उनको जो मैकरी नामी फोटोग्राफर थे उन्होंने उसको वापस से पकड़ लिया, और फिर उसकी पिक्चर कैप्चर की से जबरदस्ती पकड़ लिया कि भाई आप फाइल फोटो पीछे नहीं, क्योंकि उनको डाउट हुआ कि ये वही लड़की है जिसकी ग्रीन, क्योंकि ग्रीन आईज एक सिग्निफिकेंटली वही उनकी निशानी थी, इससे उनको पहचाना जा सकता था। अनम आप अपना जरूर कंप्लीट कीजिएगा, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि फोटोग्राफर वहाँ क्या कर रहे थे, वो उनका क्या काम था, उन्होंने एक सडन एक कैप्चर किया और वो सब चीज़ें जो है वो मीडिया पे भी दिखाई गई, तो वो ऐसा मतलब कहाँ से ये चीज़ आई? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका आंसर ये है कि जैसे कि मैंने पहले ही, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो जो फोटोग्राफर थे स्टीव मैकरी, वो अपने एक निजी एक एनिमल्स का जो है चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आई एम श्योर देखने वाले बहुत समझदार हैं, वो समझ गए होंगे, तो एक चैनल है काफ़ी पॉपुलर है, वो अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे किसी पिक्चर्स ले रहे थे चीज़ों की, तो उस दौरान वो लड़की पे उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने उनकी पिक्चर कैप्चर कर ली थी, क्योंकि वो लड़की का हुलिया भी काफ़ी अनयूजुअल सा था, वो लाल दुपट्टा और हरी आंखें, तो अनइंटेंशनली उनकी पिक्चर क्लिक करती थी। मैं इनका पहले जवाब दूँ फिर आपकी तरफ एक सवाल दूंगा। जवाब ये है कि पूरी दुनिया में जब भी कोई वॉर होती है तो ये फोटोग्राफर्स गोरे खुश होते हैं, ये सिंपथी होती है, ये गोरों का एक माइंडसेट है कि वॉर में जाएंगे, सीरिया में भी वॉर हुई थी अगर आपको याद हो, तो वहाँ जाके गरीब लोगों को वो फोटोज खींचते हैं, और बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं कि आपने डोनेशन लिया वहाँ से कि मैं उधर दे रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग हायर करते हैं पर्टिकुलर फोटोग्राफर्स को, ये चैनल और मैगजीन्स की बात नहीं कर रहा, जो जर्नलिस्ट है या उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे जो फ्रीलांस फोटोग्राफर्स हैं वो हायर किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज से ऑर्गेनाइजेशन से कि जाएं और वॉर पे वो तस्वीरें लें बच्चों की, और वो फर्दर लेकर आए और फिर वहाँ से डोनेशन लिया जाए उनके नाम पे, जो कि मिलता भी नहीं उनको। मेरा सवाल उनकी तरफ है कि जब वो अफगानिस्तान वापस चली गई, डिपोर्ट कर दिया गया 2 हफ्ते की उनको डिटेन करके शरबत गुल्ला को, तो उधर उनके अफगानिस्तान की हुकूमत ने क्या किया उनके साथ? तो अफगान के गवर्नमेंट ने उनको पहले तो घर रहने का एक शेल्टर प्रोवाइड किया, और उसके साथ उनको फूड दिया, और 700 महीने का उनका $700 मुआवजा तय किया जो हर मंथ उनको दिया जाता था, और उसके साथ एक बड़ी यूनिक चीज की थी, उनको अफगानी मोनालिसा का लकब दिया गया था, जो कि नहायत ही दिलचस्प है। जैसे कि मैंने बताया कि वेस्ट ने काफी इस लड़की को ढूंढने में दिलचस्पी दिखाई थी, तो फिर 1992 में स्टीव ने इनको ढूंढ निकाला, और आयरिस एक सॉफ्टवेयर है जिससे ना आंखों से डिटेक्ट किया जा सकता है उस इंसान को, तो उन्होंने उसकी पिक्चर, जब मैं जरूर बिफोर एंड आफ्टर लगाऊंगी आप देखिएगा, अभी वो हाल ही में 50 की और उस वक्त बिल्कुल छोटी बच्ची थी, तो उन्होंने आंखों के जरिए उस लड़की को डिटेक्ट किया और उन्होंने पहचान लिया, और इसके बीच बहुत सारी लड़कियों ने फॉल्स क्लेम्स
किए कि हम ये लड़की जो है ना ये हमारी बीवी है, मतलब बहुत सारे मर्द आ गए ना कि इस चक्कर में कि इसके साथ हमें भी मिलेंगी सारी चीजें, और बहुत सी लड़कियों ने बोला कि नहीं हम शरबत गुल है, लेकिन वो जो आजकल की टेक्नोलॉजीज तो आपको पता ही है. तो मुझे बताएं अनम कि सारा आपने शरबत गुल की बायोग्राफी क्यों बताई हमें? आज मैं इस मुद्दे पे इसलिए बात कर रही हूँ और इसको आप सबके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आज शरबत गुल्ला किस हाल में रह रही हैं. जी हाँ, वो बड़े आराम से और बड़े मज़े से इस वक्त कुछ वक्त पहले आपको पता होगा कि नेटो ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन किया था और अफगानिस्तान से कितने सिविलियंस और गवर्नमेंट ऑफिशल्स को उन्होंने वहाँ से रेस्क्यू किया था. तो उस दौरान ये जो शरबत गुल्ला हैं इनको इटली के शहर रोम में भेज दिया गया और वो वहाँ के असाइलम में रह रही हैं और बड़ी जी मज़ेदार तरीके से रह रही हैं, अपनी लिविंग द बेस्ट लाइफ जैसे कहा जाता है ना वो गुजार रही हैं. और इनकी एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि इनके कहने पे इनकी फैमिली का ट्रीटमेंट भी करवाया गया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने करवाया, और दूसरा इनकी ख्वाहिश पे इनको मक्का की ज़ियारत भी करवाई गई थी. वाह वाह वाह, मतलब ये कहते हैं किस्मत, वक्त कैसे बदलता है. यहाँ एक शरबत गुल्ला जो है उनको रोम चली गई, ठीक है, एक अच्छी लाइफ अजाइलम में रह रही है. ऑन द कॉन्ट्ररी अफगानिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो थे सैयद सादत, वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, अब वो जर्मनी में फूड डिलीवरी कर रहे हैं साइकिल पे, एंड देयर इज अ पिक्चर कि वो बैठ के परेशान है कि देखें वक्त बदलता है, उरूज को जवाल है, जवाल को उरूज है, तो ऑलवेज बी हम्बल. जी, और मैं ये कहती हूँ कि इंसान के अंदर सब्र हो और अपने गोल्स जब आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी अपनी चीज़ों से कभी भी आप हार सकते हैं या कभी आपको कोई गोल्स से कोई आपको हटा सकता है. मुझे लगता है कि अगर आपके साथ कोई भी नहीं है और सिर्फ आपने अल्लाह ताला पे फेथ रखा होगा ना, तो आप कभी भी जो है हार नहीं. जी, और कभी ये भी होता है कि कुछ चीज़ें जो है बाय लक आप जो है ना फेमस हो जाते हैं, कुछ आपका स्ट्रगल ऐसा होता है कि पूरी दुनिया मजबूर हो जाती है, चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे आपके अगेंस्ट बोलने वाले लोग हों, चाहे कोई भी हो, वो सब एक टाइम आपको आकर अप्रिशिएट करते हैं कि जो आपका स्ट्रगल है वो आपका ही है और जो आपने जर्नी स्टार्ट की. तो शरबत गुल्ला मुझे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस, बिकॉज मैंने पिक्चर्स तो देखी है, मैं ये नहीं कह सकती कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है, लेकिन इनकी जो ग्रीन आइज से भी ज़्यादा जो अनम ने बताया कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में भी कह सकते हैं कि किस तरह से एक मतलब लड़की इतनी स्ट्रांग है कि अपने भाई बहनों को लेकर वो जो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. एक डर होता है एक बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर पर एक तो रेफ्यूजी हैं आप और ऊपर से आप क्रॉस करें. अच्छा, उस दौर में टेक्निकली जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हाइप में नहीं था और तब देखें इन लड़की का यूँ फेमस होना और वायरल हो जाना, ये भी सब अल्लाह पाक के हाथ में है जिसको वो इज्जत देना चाहे. और ये फोटोग्राफर देखें एक लड़की के पीछे पहुंच गई, ये सब ऐसे नहीं होता, ये डेस्टिनी में लिखी होती है. लेकिन इससे हमें एक चीज़ तो सीखने को मिलती है कि हम लड़कियों को अपने आँखों पर तो ज़रूर काम करना चाहिए कुछ ना कुछ. ये मुझे लगता है कि अमेरिकन डॉक्टर से आप रुजू करें, क्योंकि बिकॉज वहाँ पर ऐसा होता है कि जब बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है तो तब ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं. हाँ, हकीकत बात है, मतलब नीली आँखों वाले सारे लोग जो है वो फेमस हो जाते हैं. वेट अ मिनट, ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन अगर आँखों की बात हो रही है तो एक बड़ा फन फैक्ट है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप चारों में से या देखने वालों में से किसी को अपनी आँखें नीली करवानी है तो आप जाके आपकी आँखों के ऊपर एक झल्ली एक हॉल होता है वो उतरवा दें तो नीचे सबकी नीली. True. ये क्या सिखा रही है? If you can, if you could do that, please go away. ब्रेक का टाइम हो गया है और मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी लड़की खूबसूरत हो जाए वो सेटिस्फाई नहीं होती, उसको और खूबसूरत होना है, और खूबसूरत होना है, और इसी बात पे लेंगे खूबसूरत सा ब्रेक. Welcome back. ब्रेक पे जाने से पहले नीली आंखें, हरी आंखें, पीली पीली तो नहीं होती लेने, लेकिन आजकल फिल्टर से. अच्छा नहीं, फिल्टर के अलावा लेंसेज भी होते हैं ना. yes, yes, yes. लेकिन खैर एनीवेज, आंखों की बातें हो रही थी, आंखों से जो है मुझे एक खातून का रीसेंट किस्सा कह लें या अभी बिल्कुल ही दो तीन दिन पहले की ये एक न्यूज़ है, जो न्यूज़ मैं सुन रही थी पढ़ रही थी तो मैं थोड़ा रुकी और मुझे लगा कि आप सबसे डिस्कस करके आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ. मैं जानती हूँ कि हमारे शो में हमने शादी के ऊपर बहुत बात की, इवन मैंने नवाज शरीफ जो लंदन में एक शेर आई मीन एक गीदर बैठे हुए उनके जो है नवाज की शादी को भी एक राय थी, मैं पूरा उसका बता रही थी कि ये शादी में ये खर्चा ये हुआ. लेकिन बहुत सारी शादियाँ किसी ना किसी लालच के तहत होती हैं और हम अक्सर न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि इसने उसको डाइवोर्स दे दी, उसने इसके ऊपर एसिड का अटैक कर दिया. लेकिन एक
ऐसी डेथ, वाइफ की एक ऐसी डेथ जो कोर्ट में जो है जज तक को हैरान कर देती है, और वो किस्सा मैं पूरा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक एबनॉर्मल लड़की, ये तो हम सबको पता है, हमारे यहाँ पे देखने वाले लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर किसी के घर में ऐसी कोई खातून होंगी जिनका लाइक यू नो वो थोड़ी एबनॉर्मल सी है, या उनकी शादी में, या डिसेबल्ड कहते हैं ना कि आपके अंदर कोई कोई ना कोई ऐसी कमजोरी रह जाए, जो लोगों की नज़र में कमजोरी हो, आपकी नज़र में बेशक आपकी ताकत हो, लेकिन उस इंसान को पूरी जिंदगी ताने, और अगर उसकी शादी भी हो जाती है तो उसके घर वालों को जो है जहेज पर और पैसों पर जो है परेशान किया जाता है कि हम तुम्हारी इस बच्ची के साथ हमने शादी की है तो हमें जहेज में क्या मिलेगा, लालच आ जाती है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी कि लालच आते हैं ऐसे रिश्तों में, बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे किसी को दिल से एक्सेप्ट किया जाए। मैं बात करूँ एक लेडी की। अच्छा, ये लेडी थोड़ी सी एबनॉर्मल थी, एबनॉर्मल इन सेंस कि इनका जो मेंटल हेल्थ केयर है वो इतना वो क्लियर नहीं था, मतलब बच्चों वाली उनमें हरकतें थी, तो इनके वालिद ने, क्योंकि वो पैसे वाले थे, काफ़ी रिच फैमिली से थे, तो उन्होंने एक बैंक में जॉब करने वाले लड़के से उनकी शादी कर दी। शादी के 6 महीने सब सही रहा, लेकिन सडनली एक दफ़ा उन्होंने कॉल किया, ये बाकायदा उन्होंने जज के सामने जो है पूरी बातें, पहले तो पुलिस के सामने उन्होंने अपना पूरा स्टेटमेंट दिया, देन जज के सामने उन्होंने कहा जी मैंने ये किया कि उन्होंने 2 सांप लिए, और वाइपर और कोबरा इस दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, और दोनों सांप लेकर उन्होंने घर में पहले पाला छुप के कि किसी को पता ना चले, और एक दफ़ा उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरा ऊपर बैग रह गया। मैं ये पूरी स्टोरी इसलिए बताना चाहती हूँ कि वो जब जज के सामने ये बातें कह रहे थे तो जो सज़ा उन्हें मिली, या जो इस माशरे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, तो हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों ने सोचना है कि उन्होंने ये काम करना है वो करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके घर में अगर खुदा ना खास्ता आप सोच रहे हो कि ये लड़का अच्छा है या इसे हम अपनी बेटी का हाथ दे सकते हैं और उसे कभी ताने, तो कहीं ना कहीं आपका भी दिमाग थोड़ा खुलेगा। अगर आप देखें कोई भी शोज होते हैं या कोई भी ड्रामास होते हैं, समटाइम लोगों को वो ड्रामास या वो शोज देख के हेल्प मिलती है कि अच्छा हम ये तरीका नहीं ऐसे तरीका अपना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एहतियात करते हैं कि ये हमारे साथ ना हो तो हमें एहतियात करनी। तो जज को उन्होंने बताया कि मैंने पहले वाइपर स्नैक, जो वाइट स्नैक होता है बहुत जहरीला होता है, दुनिया का बहुत जहरीला सांप है, उन्होंने उसकी ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लेकर उन्होंने उसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट, या उसकी फ्रेगनेंस हो सकती है या कोई भी उसकी चीज़, जैसे वो परफ्यूम यूज़ करते हैं कुछ भी, उसके उसे इरिटेट किया, एंड देन इरिटेट करने के बाद स्टेयर्स पे वो सांप छोड़ दिया, और वो सांप जैसे वो लेडी नीचे आ रही थी तो उन्होंने पहले ही हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी मदद मंगवा ली थी, मतलब हेल्पलाइन, लेकिन जैसे उन्होंने सांप ने डसा कि वो सांप वाइपर सांप ऐसा था कि 25 मिनट के अंदर अंदर बंदे की डेथ हो जाए अगर वो हॉस्पिटल ना पहुंचे, बट लकीली वो खातून बच गई, और वो बच गई, और उन्होंने मतलब डेढ़, कहते हैं कि 1-1.5 महीना उनको बेड रेस्ट पे, डॉक्टर ने कहा कि आप आराम करें, क्योंकि हस्बैंड जॉब करता था तो वो अपने वालदैन के घर चली गई, उनके वालदैन ने कहा कि हम अपनी बेटी का अच्छे से देखभाल करेंगे, लेकिन उनके जहनो गुमान में भी नहीं था कि ये सब चीज़ें उनके हस्बैंड ने की। अब उनको जो सांप जिन्होंने डसा था वो था वाइपर वाइट वाला स्नैक, अब आते दोबारा उन्होंने ट्राई किया अपनी वाइफ को, अगर ये खातून के साथ आपकी नहीं बन रही तो वो इसलिए नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उनके नाम की सारी प्रॉपर्टी उस इंसान को चाहिए थी, और वो चाहता था कि ये जो डेथ है ये हादसाती मौत लगे और ये मौत ऐसे ना लगे कि इनकी उनके नाम हो जाए, यस, या फैमिली वाले मुझ पे शक करें। दोबारा एक इंसान, कहते हैं ना कि जब कोई चीज आप पैनिक होते हैं, लालच बुरी बला है, ऐसे नहीं कहते, लालच थी उनके अंदर वो प्रॉपर्टीज को लेकर, उन्होंने दोबारा 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि वो अपनी वालदैन के घर थी, वो कहते हैं कि मैं, मुझे मेरी बेगम याद आ रही है और मैं मिलने चला गया, तो वो रहे, और रहने के बाद नशे में, मतलब दूध में नशे की दवाइयां देकर वो सो गई, और उन्होंने कोबरा को, अच्छा कोबरा का मैं आपको बता दूं कि कोबरा शाम के टाइम बहुत लेजी हो जाता है, ये सांप उसके अंदर ताकत शाम के बाद जो है ताकत कम होती है डसने की, जब तक कोई इंसान उसे इरिटेट ना करे, कोबरा की ये निशानी, वो कभी आप अटैक नहीं करेगा, वो गुजर जाएगा, अगर यहाँ कोबरा, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो कोबरा बिल्कुल गुजर जाएगा जब तक मैं उसको इरिटेट ना करूँ, या उसको मुझसे डेंजर वाली वो जो वाइफ है, मैं कोई चीज़ ना उठाऊँ उसको मारने की, तब तक वो मुझ पर अटैक नहीं करेगा। अब क्योंकि इनकी वाइफ नशे में थी और इन्होंने जज के सामने ये एक्सेप्ट किया कि मेरी वाइफ नशे में थी और वो कोबरा अटैक नहीं कर रहा था, तो मैंने उनकी हाथ से हाथ पकड़ के बाकायदा 2-3 बार यूं किया और उनको उस कोबरा को डराया, और कोबरा ने जब मेरी वाइफ को डसा तो पूरी रात तो क्या, कोबरा के काटने के बाद कुछ ही सेकंड में डेथ हो जाती, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि वो तड़प रही थी और मैं बैठा हुआ कमरे में आराम से देख रहा था, ये पूरी मैं रीज़न बताती हूँ, फिर जज ने उनको क्या सजा दी। तो ये चीज़ें कि पहले उन्होंने वाइपर जो स्नैक था और फिर कोबरा के, जो दोनों
जो सांप है उन्होंने काटा, जब वो अपने सुबह के टाइम के हिसाब से चले गए ऑफिस, जब लड़की की वालिदा रूम में आई और उन्होंने देखा कि मेरी बेटी के मुंह से झाग निकल रहे, उन्होंने कॉल की, हॉस्पिटल लेकर गई, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा कि इनको तो सांप ने काटा है। अब यहाँ तक सब नॉर्मल था, सब नॉर्मल था, अभी तक उन्होंने अपने दामाद पे शक नहीं किया था। एक एतमाद होता है रिश्ते में, एक एतमाद होता है, उन्होंने शक नहीं किया। लेकिन एक इंसानी सोच की बात है कि ऐसा क्या होता है कि दो महीने के अंदर दो इतने खतरनाक सांपों ने काटा है। अब जब उन्होंने प्रॉपर्टी के दफ्तर जाने के, कहते हैं ना कि अपने नाम पे ट्रांसफ़र ऑफिसेस जाने स्टार्ट किया और अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाने की कोशिश की, तो उनके वालदैन को कॉल है कि इस तरह आपकी बेटी, मतलब इस तरह आपके दामाद आ रहे हैं और आपकी बेटी के जो प्रॉपर्टी नाम पर, वो अपने नाम करवाना चाहते हैं, तो ये क्या है। फिर उन्हें शक हुआ और उन्होंने पुलिस से जो है रब्ता किया, और पुलिस ने जब पकड़ा और उनको थोड़ी सी उनकी खातिरदारी की, तो उन्होंने जज के सामने, पुलिस के सामने ये एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं तो ये दिखाना चाहता था हादसाती मौत, लेकिन दोनों सांपों ने उनको क्योंकि काटा और दो महीने के अंदर ऐसा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, इत्तेफाक भी नहीं हो सकता कि पहले जो है वाइपर स्नेक जो बहुत जहरीला है लेकिन उससे भी ज़्यादा जहरीला, मतलब पहले जो ट्राई की गई वो छोटी ट्राई, उसके बाद के बिल्कुल ही बचने के चांस नहीं, वो बाकायदा तड़पते हुए। तो जज भी यहाँ पर एक उनका स्टेटमेंट था जज साहब का, और उन्होंने कहा कि रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मियाँ बीवी के रिश्ते में होता है एतमाद, और तुमने अपनी बीवी का एतमाद तोड़ा, फ़ायदा उठाया, तो तुम्हें मैं सिर्फ और सिर्फ उम्र कैद नहीं दूंगा, तुम्हें दो बार उम्र कैद, एक उम्र कैद जो है वो 14 साल होती है और दूसरी क्योंकि उन्होंने दो उम्र कैद दी तो 28 साल की सजा। वैसे तो उन्हें फांसी ये बेसिकली केरला का वाकिया है, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी ऐसी थी और जब मैंने ये स्टोरी के बारे में पढ़ा तो एक तो मुझे उस आदमी पे इतनी हैरानगी हुई और दूसरा मुझे वो जज ने, क्योंकि बरसगीर में यही है उम्र कैद 14 साल की, तो मुझे लगा कि ये अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की, कहीं ना कहीं किसी का अगर जहनी दिमाग, मतलब कहते हैं ना कि जहनी यू नो मेंटली हेल्थ अगर किसी लड़की की ठीक नहीं है, या खुदा ना खास्ता वो अपाइज हैं या माजूर हैं, तो उनकी शादी किसी भी इंसान के साथ जो है ना, माँ बाप चाहते हैं अपनी बेटी की खुशी देना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल मेरी एक अपील है तमाम वालिदैन से और जो रिलेटिव हैं उनसे कि काइंडली किसी भी लड़की को जो है वो प्रेशराइज ना किया जाए, उसको किसी दबाव का शिकार नहीं करना चाहिए जब तक उसकी खुद की मर्जी नहीं है। और दूसरा, रिश्ते अल्लाह बनाता है, जब इंसान का रिश्ता होना होता है, सही टाइम पर होना होता है, वो हो जाता है, कहीं आपकी जल्दबाजी के चक्कर में आपकी लड़की का मुस्तकबिल ना खराब हो जाए। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी मजीद बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो आज हमारे बहुत ज़बरदस्त टॉपिक हैं जो डिस्कस हो रहे थे, और मैं भी आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ, यानी कि आज मैं, सॉरी उर्शिया, लेकिन आज मैं गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ पाकिस्तान के। चाहती हूं कि आप लोग एक एक करके सब अपनी अपनी गुड न्यूज़ बताएं। एग्जैक्टली, देखिए जब कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जब ख़राब हो ना, तो बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर भी जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए, नज़र डालनी चाहिए। इसी तरह से आज मैं आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेकर आई हूँ, जिससे सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये तो पता चलेगा कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। तो मैं आपको बताऊं जी कि पाकिस्तान के लिए पहली जो सबसे अच्छी खुशखबरी है वो ये है कि अब मैंने ही ये बात जो है वो पिछले शो में भी ये बात कही थी मैंने कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से या पहले से ही जो है वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सफरी पाबंदियों का जो है वो शिकार हम सब थे, लेकिन अब जो है वो सऊदी अरबिया ने जो है वो पाकिस्तान के लिए खास तौर पर जो है वो तमाम तर सफरी पाबंदियों पर जो पाबंदियां थी वो हटा दी है, यानी कि अब जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बराए रास्त जो है वो परवास के जरिए सऊदी अरब जा सकते हैं, उनको कोई जो है वो जैसे क्वारंटीन करना पड़ता है अपने आप को किसी और मुल्क में जाकर या किसी और शहर में जाकर, अब उनको ये करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, अब वो बराए रास्त जो है वो अब सऊदी अरब जा सकते हैं, और वो सऊदी अरब की जो इंतजामिया है वो जितने भी पाकिस्तानी उनको वहीं पर क्वारंटीन करेगी, उनकी जितनी भी नजर रखनी है वो करेगी, उनको जो ट्रीटमेंट देना है अगर कोई मतलब इफेक्टेड भी नजर आता है तो उनको जो भी ट्रीटमेंट देना है वो अब सऊदी अरबिया खुद जो है वो देने जा रही है, जो कि बहुत अच्छी जो है वो पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है ये। और दूसरी मैं एक और गुड न्यूज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी हुई है, सऊदी अरब से भी जुड़ी हुई है। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही जो है आप तमाम लोगों को पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उन्होंने बराह रास्त सऊदी अरब
अरब का दौरा किया था। अब जब दौरा किया था तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें तय की गई थी, बहुत सारे वायदे तय पाए थे, और अब जो कि सऊदी अरब में एक वायदा तय किया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को $3 अरब जो है वो इमदाद देगा, $3 अरब जो है वो दिए जाएंगे, जो कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पर जो है वो हमारे मिल्कियत में वो सरमाया जाएगा, तमाम तर कीमत जाएगी वो, जिस पर आज कराची में जो है वो बराह रास्त जो एक MOU था उसमें साइन भी हो गया है, और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए है, ख़ास तौर पर अब जो है क्योंकि IMF से भी हम डील कर रहे हैं, IMF के बाद जो है वो अब सऊदी अरब से भी $3 अरब जो है वो हमें मिले, तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि खान साहब जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं अपनी आवाम के लिए, और वो हम जो है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में देखेंगे कि क्या तब्दीली होने जा रही है या क्या मज़ीद चीज़ें जो हैं वो डिवेलप होती हैं, ये तो हम देखेंगे वक्त के साथ साथ। तो मैं आपको एक तीसरी जो है गुड न्यूज़ बताऊं कि पाकिस्तान में जो है वो 25,000 IT ग्रेजुएशन जो है वो अब निकलेंगे, यानी कि ये चीज़ जो तस्दीक की गई है वो गूगल की तरफ से ये तस्दीक की गई है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। सना मुझे आप प्लीज़ बताएं ये जो आप न्यूज़ बता रही हैं ये इम्प्लीमेंट कब तक होगा? स्पेसिफिक मैं ये 25,000 की बताऊँ कि 25,000 जो है वो IT स्टूडेंट ग्रेजुएट होंगे हमारे पाकिस्तान के अंदर, 2030 तक जो है वो इस पर मुकम्मल तौर पर अगर हम कहें इम्प्लीमेंट होगा या मुकम्मल तौर पर हमें इस तरह के स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे जो है वो 10 खरब रुपए का हमें फायदा होगा, यानी 10 खरब रुपए का जो है वो इजाफा होने जा रहा है हमारी पाकिस्तानी मईशत के ऊपर 2030 तक। ये बाकायदा गूगल ने खुद ये चीज़ कही है, गूगल ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारी IT डिपार्टमेंट हम हमेशा ही बात करते हैं, हमारा IT डिपार्टमेंट इतना जो है वो उसने मैं कहती हूँ बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा लिया है कि हम अब किसी भी तरह जो है वो पीछे नहीं रहे, और अब गूगल ने बकायदा इस चीज़ की तस्दीक की है, जो कि बहुत बहुत गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि अब हमारे यहाँ से हमारी जो न्यू जनरेशन आई है उसमें इतना ज़्यादा हम शऊर देख रहे हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देख रहे हैं IT डिपार्टमेंट को लेकर कि हमारे यहाँ से जो है वो 25,000 स्टूडेंट्स निकलेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं एक और मैं आपको गुड न्यूज देती चलूं कि खास तौर पर जो है वो ये CPEC से जुड़ी हुई है गुड न्यूज जी, और ये एक बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये कि 25,000 जो है वो IT स्टूडेंट्स हमें जो है वो मिलेंगे, जिससे 10 खरब का फायदा पाकिस्तान को बराह रास्त होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, अगर IT की बात हो रही है और कैस्पिट का जिक्र ना किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसा कि हमने पहले अपने एक शो में बात की थी कि मिस्टर आमिर हाशमी जो कि चेयरमैन है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के, उनके साथ MOU साइन हुआ था और सिंध गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए अप्रूवल दे दिया है कि आप टेक्नोलॉजी के लिए और इदारे खोल सकते हैं और इस पर काम किया जा सकता है। वैसे NAD है, NAD में इस चीज़, क्योंकि जब इस बारे में मीटिंग हो रही थी और डिस्कस किया जा रहा था कि फर्दर पाकिस्तान की इकनॉमी को कैसे ग्रो करना है, क्योंकि वो पैसे जो हम बाहर से लेके बाहर से सॉफ्टवेयर्स खरीदते हैं और यहाँ की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स पे इतना काम नहीं होता है, क्योंकि उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस ये इनिशिएटिव लिया गया था कि अब हम अपने मुल्क में वो सारी चीज़ें इन्वेंट करेंगे या डेवलप करेंगे जो हम आज तक बाहर से ख़रीदते थे। इससे होगा क्या कि बाहर के लोग हमसे मुतालबा करेंगे और हमसे रब्ता किया जाएगा और इसके पैसे हमारे पास आएंगे, इससे हमारा मुल्क भी ग्रो करेगा और यहाँ से क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे आने वाला एरा इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो बेसिक मोटिव जो है इस इदारे का वो ये कि अब हमारे यहाँ से हम एंटरप्रेन्योर्स को बनाएंगे और उनको जगह देंगे। बिल्कुल, और ये जो 25,000 लोग हैं मैं बता रहा हूँ, मार्क ज़िंगरबर्गर मैसेज आपके लिए है, जो राज करे ना मेटावर्स से हमारे लोग आएंगे छालिया खाटे हुए, हम बनाएंगे मीठावर्स, आपकी सोच और पूरी दुनिया पे पाकिस्तान का राज होगा, देखते रहोगे मार्क ज़िंगरबर्गर, मार्क बन कबाब हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा यूरिस, मुझे ये कहना था कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो सना ने भी हमें स्टार्ट में ही बता दिया था कि 25,000 जो ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट है IT के, स्पेशली IT के, क्योंकि IT के जो स्टूडेंट्स हैं वही फर्दर जाके चाहे वो यहाँ काम करें या बाहर मुल्क काम करें, ये भी क्लियर पॉइंट है बहुत ज्यादा कि अगर आप बाहर भी काम करते तो इस मुल्क की इकॉनमी बहुत अच्छी होगी और 10 खरब
बहुत बड़ी अमाउंट है, नो डाउट। मैं जब इस पर रिसर्च भी कर रही थी तब भी आपका ये जो एक्सप्रेशन है मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं वेट कर रही हूँ एक बार हो जाए, प्लीज एक बार हो जाए, नहीं एक बार हो जाए, प्लीज एक बार, पैसा आएगा। मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा आज के पैसे से, वो अगर पाकिस्तान को 10 खरब मिल रहे हैं प्लीज पैसा आएगा। Being very honest, देखिए इकोनॉमी में बाहर का पैसा आना बहुत जरूरी है, बाहर डॉलर्स आएंगे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी और फिर एक टाइम आएगा कि हम डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प कर रहे होंगे। True. और हेल्प से याद आया कि हमें हेल्प की जरूरत है बिकॉज ब्रेक भी जरूरी है। Exactly. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काफ़ी मज़े मज़े के टॉपिक, काफ़ी चीज़ें जो हैं हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होते हैं और मज़ा भी आता है। डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें लेकर आते हैं और उसमें काफ़ी एग्री भी होता है, डिसएग्री भी होती हैं चीज़ें, कि मुझे लगता है कि अपने अपने ओपिनियंस देना वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हम एक ही बात को एक ही मुद्दे पे हम लोग एका करके चलते रहेंगे तो लोग समझेंगे कि शायद हम लोग की कोई ऐसी कम्युनिटी शो, हाँ फैमिली शो चल रहा है। मैं लाहौर की बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है और वो ऑर्डर उस बेस पे जारी किया है कि काला धुआं जो गाड़ियाँ छोड़ती हैं, जैसे कि बड़े बड़े ट्रक हैं या कंटेनर्स हैं या जो भी व्हाटएवर जो आई मीन डीजल पर चलते हैं बेसिकली, उनके ऊपर 2000 रुपये का जो है वो चालान जो है वो उन्होंने जारी किया है। वो क्यों जारी किया है वो मैं आपको बताती भी चलूं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ का जो वेदर है वो कितना ख़राब है और वहाँ पर सांस लेना और आँखों की प्रॉब्लम या चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने डिसाइड किया है कि इस चीज़ के ऊपर जो टीम है वो काम करेगी, वो मैं आपको बताती भी चलूं कि ट्रैफिक पुलिस एनवायरमेंट वाले और लाहौर ट्रैफिक पुलिस वाले जो है इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। बेसिकली जो वहाँ के एनवायरमेंट वाले हैं उन्होंने ये प्लान किया था कि हम खुद खड़े होकर इस चीज़ को खुद मुआयना करेंगे या देखेंगे कि कितने जो है वो धुएं की वजह से जो है वो एनवायरमेंट ख़राब हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर खड़े होकर वो खुद अपनी निगरानी में जो है वो जायज़ा लेंगे और इस चीज़ के ऊपर वो खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे कि वाकई में ये जो काला धुआं है जिसकी वजह से पूरा जो है इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है या वहाँ का जो एरिया है एरिया नहीं पूरा जो शहर है वो तबाह हो रहा है इस पोल्यूशन की वजह से, तो वो इस चीज़ के ऊपर वो काम करने के लिए मुझे लगता है कि उनको ये और पहले जो है वो इनिशिएटिव ले लेना चाहिए था। ऑर्डर जो है पास हो गया ऑलरेडी, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो धुआं जो गाड़ियों से निकलता है इट्स वेरी डेंजरस और ऑलरेडी वहाँ पे फॉग की हालत और पोल्यूटेड सिटी है, इट्स द नंबर 1। नंबर 1 हम पाकिस्तानियों का ये मसला है, नंबर 1 अच्छी चीज में नहीं आएंगे हम, हम पोल्यूटेड सिटी में आएंगे, द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी नंबर 1, थैंक यू वी आर, ये एक मसला है हमारा। एनीवेज के मतलब ये जो चलान है ये इम्प्लीमेंटेशन होगी और कुछ पता चला है कि कितने कितने चलान हुए हैं अभी रिसेंटली ऐसा कुछ? यूनस कोई नंबर्स तो नहीं अभी तक पता चले कि कोई ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिकली सामने आई जाएं, बट ये है कि वो लोग अपनी बहुत दिल लगा के इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, बट वहाँ की जो आवाम है वो ये चाहती है कि हम पे ये चालान नहीं काटें आप हमें फ्री कर दें, बट वही बात है कि जब आपको फ्री कर देंगे तो आप लोगों का माइंड तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं हमें ये छोड़ दिया है तो हम जो है वो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जो है इस चीज़ को ठीक करवा लेंगे। लेकिन यूनस मुझे लगता है कि कोई भी लॉ पास होता है अगर कोर्ट की तरफ से तो वो इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबको पता है ये कहते हुए थोड़ा सा अफसोस होता है कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जो ईमानदारी से काम कर भी रहे होते हैं लोग उनको सीरियसली नहीं लेते exactly. क्योंकि कुछ काली भेड़ें अक्सर हम एग्जांपल देते हैं कि कुछ मछलियां भी आप कह लें कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ट्रैफिक पुलिस वाला जो ये थोड़ा सा है ना मामला तो वहाँ पे होता है कि अच्छा सर ये ले लें 200 एक्स्ट्रा ले लें 300 एक्स्ट्रा ले लें। सुनने में आया मुझे पता नहीं कोई सोर्स है नहीं सला पहले बता दूं, वहाँ की पुलिस सख्त है लेकिन कराची की पुलिस सुनने में आया है कि बहुत नरम है और अच्छे लोग हैं यहाँ पे ज्यादा वो चलान वलान का सीन नहीं है, ये रखा जाओ बेटा जाओ ये सीन होता है, लेकिन गालिबन ये निजाम के लिए अच्छी साबित नहीं होती है ना ये वाली जो सिस्टम में ले देखे। पंजाब की पुलिस पूरी दुनिया में मशहूर है, आपको शायद ये वाकया पता हो कि नहीं, एक जंगल में पुलिस ने हाथी को पकड़ा एक केस में कि वो चूहा है, उसका रिमांड हुआ, 3 दिन बाद हाथी जेल से निकला, मैं चूहा। तो ये एक बड़ी फैक्ट की बात है कि पाकिस्तानी पंजाब की जो पुलिस है ये बड़ी सख्त है इस मामले में, और ये जो हमारे यहाँ तो सबसे छोटा चलान जो कराची में वो 170 रुपए का हेलमेट का, अरबों खरबों खा जाएंगे लोग उनको कोई नहीं पकड़ेगा, हेलमेट के बगैर मैं 2 तलवार चला जाऊं मुझे पुलिस पकड़ लेगी,
170 रुपए चालान ले लेगी, ये इस दुनिया का पता नहीं हमारे मुल्क का क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा। गरम रहता है सिस्टम पुलिस। यूनस आपके उस जोक से मुझे याद आया, वैसे तो मतलब जोक है तो लाइटर मोड पे प्लीज लीजिएगा, कि पंजाब की जो पुलिस है ना, अगर वो आपको पकड़ लेती तो उनका उनके पास जो डंडा होता है उसे, हाँ तो वो कहते हैं अब फिर कब आएंगे। एक और उनकी एक सेइंग है कि अगर किसी को जेल में ले जाना है ना, कोड वर्ड बताता हूँ मैं आज बता रहा हूँ आपको, कि अगर किसी को रिमांड में जाके कुट लगानी सही वाली, बोलते हैं ओ ड्राइंग रूम की साइड तो करा इसको। हाँ, एक बहुत मूवीज में डायलॉग। बाकी में आप लोग जो है वो काफी सीरियस इशू था, आप लोगों ने काफी जोक में, आई एम सो सॉरी। अच्छा एग्जैक्टली उर्शिया, उर्शिया एक मिनट, ये जो आपने बात बोली थी 2000 फाइन देना पड़ेगा अगर जिसकी भी गाड़ी से काला धुआं निकल रहा होगा, तो इसके साथ तो मुझे लगता है कि फिर पूरे लाहौर की गाड़ियां बंद हो जाएंगी, लाइक मेजॉरिटी, नॉट सारे लाहौर की बट मेजॉरिटी, क्योंकि चेक करके जो है वो, जब मैं इनका देख रही थी, इंटरव्यू देख रही थी, तो मैंने देखा था कि जैसे कि 5 गाड़ियां उन्होंने चेक की, आई मीन इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने देखा कि एक गाड़ी जो थी वो उन्होंने फ्री कर दी, आई मीन एक गाड़ी से नहीं निकल रहा था, 4 गाड़ियों से निकल रहा था। तो वही बात है, जब आप अपनी गाड़ी को मेंटेन ही नहीं रखेंगे, उसकी सर्विसेज ही नहीं करवाएंगे, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने पुलिस की बात की है, वाकई में पुलिस का सख्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन वहां पर चल रही है, मुझे लगता है कि अभी अगर वो सख्ती नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि थोड़े टाइम के बाद भी जो है वो आपको वहां से कोई ना कोई ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी किसी ना किसी की डेथ हो रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज़ यहां पे जो यूजुअली होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, स्पेशली ये एक एक वो बना हुआ है, एक एग्जांपलरी सेट हुई हुई है कि जो लोग हैं पुलिस में वो इंप्लीमेंट नहीं करते, एक तरह से बना हुआ है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये जिंदगी मौत का मसला है। वैसे लाहौर में मैंने देखा है कि बड़ी पॉर्श गाड़ियां हैं, और वहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना, वहाँ पे आपको अच्छी गाड़ियां ही देखने को मिलेंगी, और अगर आप अच्छी गाड़ी रखते हो तो फिर आप उसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखते हो। मगर अनम, जब ये मैंने वीडियो देखी थी तो मैंने कोई ऐसी लग्जरीज गाड़ी नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ ट्रक, वो अच्छे बुरे एरियाज तो है, एग्जैक्टली, मतलब उनका जो टारगेट था वो उनका ट्रक और उन चीजों पे था, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग अपनी जो गाड़ी है वो मेंटेन नहीं रखते। इतना कोई कॉस्ट नहीं है, आप ऑयल चेंज कराएं, थोड़ा बहुत ट्यूनिंग कराएं, एग्जैक्टली हो जाएगा। वन मोर थिंग, कि वो आपने कहा ना कि एक बंदा कहता है कि मुझे ऐसे ही जाने दो, तो हमारी आवाम का मसला ये कि उन्हें रूल्स और रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने हैं, बस उनको ये कि हम कन्नी कतरा के निकल जाएं, और ये जब तक आप अपने अंदर से सोच नहीं निकालेंगे तो हमारे मुल्क में से गंदगी साफ नहीं होगी। ऐसा ये भी होता है सना, कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, पुलिस ने आपको रोका है, तो आप दिखा देंगे प्रेस कॉन, तो ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, ऐसे मैं खुद पुलिस में हूँ, या फिर फोन मिला के दे देते हैं, ये ले बात कीजिएगा, मतलब ये तो सारा कुछ नहीं चल रहा। ये मैंने खुद देखा है इंटरव्यू, वहां पर उन्होंने ये जो कार्ड्स हैं, ये सारी चीजें वहां पर नहीं चल रही, एंड इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि आप चलें थोड़े से पैसे ले लें और मुझे छोड़ दें, ऐसा भी नहीं चल रहा, वो प्रॉपरली चालान काट रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी अगर ये 5 दिन या 4 दिन के बाद अगर आपने ये दोबारा ये सर्विसेज नहीं करवाई तो हम आपकी गाड़ी बंद कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, और ऊपर से वो इन्फ्लेशन से जो है ना लोग मर रहे हैं, और उसके बाद अगर उनको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे तो मुझे लगता है अब तो जरूर सोचेंगे हम करवा लेते हैं। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सना ब्रेक ले लें। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इजाजत दी कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं भी कुछ बोल सकती हूँ। आप लोगों ने इतना 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 कुछ कह दिया कि मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं ना जाए, देखते रहे गपशप। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में, और आज हमने शो के आगाज में ये चीज़ जो है वो आपसे वादा किया था कि आज हम आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि आप पलके भी झपकाते वक्त सोचेंगे कि अब मैं झपकाऊँ या ना झपकाऊँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ लेकर आई हूँ, लेकिन वो अच्छी नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पर ये न्यूज़ जो है वो तमाम तर जो लोग सिंध में रहते हैं उनके लिए तो ये कतई अच्छी नहीं है। वो ये है जी के एक बार फिर जो है वो SSGC यानी कि सुई सौदर्न गैस कंपनी ने जो है ये फैसला किया है कि वो आवाम को खून के आंसू रुलवाएंगे, यानी कि अब जो है वो 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक जो है वो सिंध में खास तौर पर CNG बंद कर दी जाएगी।
और दैट्स रियली 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 बैड, क्योंकि हमने अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही देखा कि पेट्रोल का जो बहरान अभी आया था, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एक बड़ी तादाद हमें नज़र आई जो पेट्रोल पंप पर उनको मिल नहीं रहा था जिस तरह से हमारे अवाम रुल रहे थे। और अब ये सिंध के अंदर दोबारा से एक कयामत ख़त्म नहीं होती कि दूसरी कयामत हमारी हुकूमतें हमारे लिए लेकर आ जाती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारे जो सिंध में लोग रह रहे हैं वो जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्या हम सब जी ये सिंध को छोड़ कर किसी और दुनिया में चले जाए, किसी और सूबे में चले जाएं ताकि हमें थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिले। मतलब एक खुद सोचे ना, जो लोग खास तौर पर चले आप हमारे बारे में ना सोचे, ये जो हमारी सिंध सरकार है आप हमारे बारे में बिल्कुल ना सोचे, लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचे जो सीएनजी पर उनका रोजगार चलता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार हो जाते हैं जब जब सीएनजी बंद होती है, क्योंकि उनका तो घर जो चल रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ तब चल रहा होता है जब वो ऑटो लेकर बाहर जाते हैं या बसेस चल रही होती हैं। आप उनके बारे में सोचे, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया मुआश नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनको जब सीएनजी जो है वो मिलती है तो वो उनको पैसेंजर भी मिलते हैं, वो लेकर आवाम को बाहर जाते हैं तभी उनको रोजगार मिलता है। अब सिर्फ एक सेकंड के लिए अपने बड़े बड़े बंगलों में बैठकर जो आप लोग किसी भी नोटिस आप लोग जो है वो अग्री कर लेते हैं, कुछ पैसों के लिए आप मिल जाते हैं लोगों के साथ, आप एक मिनट के लिए सोचें कि जो गरीब बाहर निकला हुआ है, जो गरीब रोडों पर मौजूद है, उसके ऊपर क्या गुजरेगी, उसके ऊपर क्या गुजरेगी जब उसे भूखे पेट घर वापस जाना पड़ेगा और उसके जो बच्चे उसके लिए इंतजार कर रहे होते, दो वक्त की रोटी के लिए जो इंतजार कर रहे होते। आप लोग तो किसी इंसान को रोटी तक प्रोवाइड ना कर पाए। अभी हम जब भी कोविड की बात करते थे तो कोविड में हम कहते थे कि लोग जो है वो बेरोजगार हो गए, लोगों को खाना नहीं है। यहां पर आप देखें सबसे बड़ा अलमिया तो यह है कि अभी तो आपके वो हालात नहीं है, अभी हम एक लॉकडाउन से निकलते ही हैं कि दूसरी एक मुसीबत हमारे सर पर आ जाती है। कभी यहाँ पर गैस नहीं होता, कभी यहाँ पर बिजली नहीं होती, कभी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता। और अब हमारी जो गुर्बत की लकीर के नीचे जो बिल्कुल हमारा एक तबका है जिनका रोज का रोज़गार सिर्फ इस चीज़ पर चलता है कि 200-300-400 जो है वो उनको बाहर जब जाते हैं पैसेंजर मिलते हैं उनको, तब वो कमाते हैं और घर आकर अपने जो बच्चे मौजूद होते हैं उनको वो फीड कर रहे होते, खाना खिला रहे होते, उनका क्या होगा। अभी रिसेंटली हमारे एज अ मीडिया पर्सन होने के नाते मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा मुझे फील हुई, मैं डिस्टर्ब हुई। एक कैमरामैन ने खुदकुशी कर ली सिर्फ इस वजह से कि उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं था। ये कितना बड़ा अलमिया है, ये हम कहाँ रह रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ये चीज़ समझ नहीं आती कि हम रह कहाँ रहे। या तो ये सिंध सरकार जिसे लगता है कि ये खानदानी सियासत चल रही है और इसका कोई इख्तिताम नहीं है, देखें खौफ खुदा रखें, हर उरूज को जवाल आना है। आज आपकी हुकूमत है, कल एक ज़रूर ऐसा कोई बंदा आएगा जो आपकी ये खानदानी सियासत जो चल रही होती है ना सिंध के अंदर, वो तबाह बर्बाद होगी। सना, सिंध हुकूमत मैं ये नहीं कहता कि फेल हो गई है, बट एट टाइम्स उनके एक्शंस ऐसे होते हैं जिससे अवाम बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। ट्रू, आइदर वो स्कूल बंद करना हो, आइदर वो सीएनजी बंद करना हो, आगे बहुत सारी ऐसे और भी चीज़ें करते हैं जिससे अवाम बहुत सफ़र करती है। CNG तो बेसिक है, इट्स अ डेंजरस थिंग, मैं आपको ये बता दूं, इंटरनेशनली इसको कोई थम्स अप नहीं दे रहा था, बिकॉज यहाँ पे CNG बहुत सारे ऐसे रिक्शे वाले, जैसे आपने कहा कि आपने सारी बात कवर कर दी, बस आई जस्ट गोइंग टू रिपीट इट कि जो CNG है रिक्शे वाले सबसे ज्यादा वो होते हैं, पेट्रोल इज ऑलरेडी एक्सपेंसिव, अब CNG से क्या था, अभी तो फिर भी कुछ टाइम के लिए खोल दी थी। ऐसा भी होता था कि इनके लास्ट टेन्योर में फ्राइडे सैटरडे संडे बंद, मंडे आ रही है तो ट्यूजडे नहीं है, वेनसडे आ रही है तो थर्सडे नहीं है, ऐसा भी हो रहा था। ये अवाम जो है, बिकॉज ना एक चीज समझते हैं कि गैस की शॉर्टेज है, हमारे यहाँ हम भी चोर हैं, अवाम भी चोर है, खुद प्रेशर लगाए हुए अपने गैस स्टोव्स में और मतलब बिजली चोरी करते हैं, हम क्या नहीं करते। देखें यहाँ पे हम जैसी अवाम है, हमारे साथ वही हो रहा है जो हम करते आए हैं। जो हमारे राशिद भाई हैं वो उनके घर में गैस नहीं आ रही होती थी, बोलते थे अरे यार जूने जाने हमने तो गैस स्टोव लगा लिए और हम तो बस प्रेशर लगाए हैं, हमारे यहाँ तो गैस आ रही है। अच्छा आ भी नहीं रही है, आ रही है, आ रही है। हमारे एक और है परवेज भाई है, वो कुंडा मास्टर, हाँ वो कास्ट में नहीं जाऊंगा लेकिन उनका एक्सेंट बता रहा हूँ क्या बोलते हैं, तो वो कुंडा लगाते हैं, वो कुंडा मास्टर ऐसे वो मुझे बोलते हैं, मैंने बोला कि आप परवेज भाई आपके घर में 2 TV हैं, 2 फ्रिज हैं, 2 बीवियां हैं, बिजली का बिल आप कैसे बचा रहे हैं, बिजली का बिल पे कैसे कर रहे हैं। बोलते हैं अरे जाओ यू ना जानी, हम तुमको बता रहा हूँ कुंडा लगाया हमने,
तो ये जो आवाम है ना हमारी, ये परवेज भाई और राशिद भाई को हटा दे साइड पे, ये हर जगह है ऐसे कैरेक्टर्स हर जगह, और इन लोगों ने जिंदगी अजाब की हुई है, ये इनकी वजह से। वो एक एक कहावत है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, तो वो जो गुण है वो हम जैसे लोग हैं, और ये जो गेहूं है ये पता कौन है, आड़ा जा जो आड़ा ये जो है ना, ये मैं खतरनाक लोग हैं, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ इनकी अगर क्यामत अगर जल्दी आ गई ना तो इन लोगों की वजह से आ रही है। अच्छा यूरेस, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो ये सब करते हैं उनको समझ आ गई होगी, लेकिन यहाँ पर दोबारा मैं बात करूँगी सिंध हुकूमत की। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्योंकि हम सब सिंध के, मतलब क्योंकि हम सब इंटीरियर वही वाली बात कराची में रहते हैं, लेकिन ये सिंध में आता है। कराची को तो हमेशा से तमाम जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने लावारिस छोड़ा है। यही अफसोस होता है कि जब आप बाहर जाते हैं, कच्चे रोड्स और गैस के मसले, गरीब यहाँ पर पिसता। अच्छा, यही सिटी है कराची जिसको पाकिस्तान की माँ कहा जाता है, ड्रीम सिटी कहा जाता है। यहाँ लोग आते हैं और 70% जो टैक्स है वो कराची से देते हैं। या बिजनेस बे एंड ऑल। लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक सिंध गवर्नमेंट की बात करूंगी, क्योंकि आप अगर बात करना, आपको ऐसा लगे कि बात करते हुए आप डर रहे हैं, तो फिर तो या आप बात करना छोड़ दें या आप लोगों की हाँ में हाँ मिला दें। लाजमी नहीं है कि आपका जो दावा था रोटी कपड़ा मकान, आप जरा किसी गरीब के घर जाए, हम जैसे लोग जो कि नौकरी पेशा या ऐसे बड़े पैनल पर भी, जो बहुत बड़े पैनल पर भी लोग काम करते हैं, उन्हें भी बहुत मसले मसाइल हैं। हम हमेशा गरीबों की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमें अगर मसाइल हैं तो वसाइल भी हैं। लेकिन उन लोगों का जो कि CNG बंद कर दी, अगर एक रक्षा ड्राइवर है उसका रक्षा ही CNG पर है और उसी से वो कमाता है, तो वो कहाँ से अपने बीवी बच्चों का पेट भरेगा? और फिर वो पेट भरेगा और बाद में वही वाली बात है अफसोस के साथ कि लोग अपने आप को आग लगा के खुदकुशी कर लेते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट के जो बड़े दावे हैं, अगर आप एक कम्युनिटी को करेंगे और बाकी कम्युनिटी को नहीं करेंगे, जैसे कि शर्मिला फारूकी पे बहुत सारी अभी भी तनकीद हुई थी कि हेलोवीन पे उन्होंने लुक बनाया और हेलोवीन मनाया, और सिंध के काफ़ी जो लोग हैं मिनिस्टर्स उन्होंने हेलोवीन मनाया। ज़रा जाके आप थर में जाएँ, ज़रा आप किसी इंटीरियर सिंध में जाएँ, वहाँ पर लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है, गुर्बत इतनी है कि लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप कायनात उनके घर जाकर देखें, पता है अगर आप उनके घर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि गरीब जो है वो पिस रहा है, और ये खुद जो है वो इतनी गर्मी में भी एयर कंडीशन माहौल में जो सियासतदान है, जो सिंध हुकूमत है, खुद हेलोवीन मना रहे हैं लेकिन गरीब आदमी हलीम खाने को मर रहा है। तो ये ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में शायद हम भी कुछ खा लें, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक में मैं किचन में गया, हमारे यहाँ हमें हलीम नहीं मिला, क्योंकि मुझे जो किचन में हमारे इंचार्ज है उन्होंने कहा कि हेलोवीन मना सकते हैं, हलीम नहीं मिल सकता। अनम, आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी बड़े बड़े सोशल सेलिब्रिटीज़ को हम ट्रोल कर रहे होते हैं अपने सोशल मीडियाज़ पर, हमने देखा होगा जब भी कोई इवेंट आता है वो हमारे यहाँ पे रिकग्नाइज़ किया जाए या ना किया जाए, लेकिन एक ट्रेंड सा बन चुका है। जैसे ना अब जैसे ये वाली बात है कि जो लोग रक्षा चलाते हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे, अब CNG बंद कर दिया तब वो पेट्रोल पे आ जाएंगे, क्योंकि मजबूरी है, उनके करना पड़ेगा, उनके भी घर चल रहे हैं जो भी है। लेकिन मुझे लगता है कि लोग अपने आप को कहीं ना कहीं, जैसे आपने शर्मिला फारूकी की बात की, इस तरह मैं और भी बहुत सारे पब्लिक प्रोफाइल्स को यहाँ पे मेंशन करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि मतलब कि इंसान जो है अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं, मतलब दे जस्ट नीड कोई उनको मौका चाहिए टू सेलिब्रेट करने के लिए, इकट्ठे होने के लिए। लेकिन पर्सनली क्या पता उनके भी जो जज्बात हैं वही होते हैं, क्योंकि आखिरकार है तो इंसान, और अगर आप इंसान से बैठ के बात करें, ठीक है वो अपने हार्श इमेजेस हमें दिखाते हैं, लेकिन अगर कभी कभी कुछ उनके इंटरव्यूज हैं, कोई वीडियोज उनकी सुने, तो वो भी ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कॉमन मैन ले मैन होते हैं, ये कहीं ना कहीं इन्होंने जखीरा किया होता ही होगा, इतने तो समझदार सब होते हैं, या अगर नहीं भी किया हुआ तो चलो हाथ खींच के गुजारा तो अब करना पड़ेगा ना। अब क्योंकि आपके सामने एक एक इंसान की जीत क्या है कि वो उसका जो लाइफ स्टाइल है, वो जैसे उसका रोज का साइकिल चल रहा है, अगर वो इन केस डिस्टर्ब हो जाता है तो आप जीना तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये तो ये बात है अनम कि एक बंदे को, एक इंसान को आप जो है वो अंधेरे कुएं पे धक्का देकर कह रहे हैं आप जियो। अब हुकूमत की पॉलिसीज क्या है, देखें ये तो अभी चीज रिवील नहीं हुई है, और अल्लाह आलम मुझे नहीं पता कि क्या सोच के किस चीज के तहत ये वाली अभी नई पॉलिसी निकाली गई है, लेकिन वी कैन ओनली वेट एंड वॉच कि अब फर्दर अब क्या पॉलिसी सामने आती है, तो वक्त के साथ ही पता चलेगा और किस तरीके से वो मैनकाइंड को सर्व कर सकती है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कह सकते। अनम, आपने बिल्कुल अच्छा चाहा कि ऑडियंस को भी बताने के लिए कि जो ट्रोल करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल उनको कि कहीं ना कहीं आप उनको सेलिब्रिटीज को या बड़े नाम को
मार्जिन दे सकते हैं कि वो भी इंसान है, लेकिन बात यह कि आप एक जगह बैठ के बात करें, मिनरल वाटर पी रही हूँ और थर में बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, वो बीमारी से बहुत ज्यादा, मैं यहाँ पे मरना, मुझे नहीं क्या मैं उनको कहूँ, क्योंकि बहुत छोटे से बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से वो इस दुनिया से चले जाते हैं, और फिर आप उन्हीं के घर जाकर कि नहीं मुझे मिनरल वाटर चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी पोस्ट करें जहाँ पे लोगों का दिल जख्मी होता है कि हम इनके पास आते हैं अपनी फरियाद लेकर और ये इस तरह की चीजें करें, तो ये आप करें अपनी पर्सनल उसमें आपकी, देखें चार दीवारी है आपके पास, आप सब कुछ करें, लेकिन पोस्ट करना जबकि आप पब्लिक फिगर हैं और आप बातें वो करते हैं भूख और प्यास के बारे में, तो फिर आपको थोड़ा यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी डिबेट है, एक मिनट, लेकिन मैं क्योंकि ये बात बार बार उठाई जाती है, मुझे आज इस पे बोलने का दिल कर रहा है, और मैं बोलना चाहती हूँ कि हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि आप फंडिंग करा, हम भी तो कर सकते हैं, कि हम अपने पे क्यों रखते हैं, हम हमेशा बड़े पैमाने, अरे जिसकी जितनी जो जितना साहिब तौफीक है उतना तो फंडिंग कर सकते हैं, कपड़े पैसे खाने पीने का जो जिसके बस में जितना है उतना तो कर सके, लेकिन बट आर प्रॉब्लम इज, मैं अपने आप को भी इसमें काउंट कर रही हूं कि हम हमेशा बड़ी सतह के लोगों को टारगेट करते हैं कि ठीक है डालना गलत है, डालने पे क्रिटिसाइज मैं भी करूंगी, लेकिन सबको करना चाहिए, सिर्फ हम साइड पे हो जाएं कि उनकी जिम्मेदारी, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, सो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, राइट? अनम, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, वाकई में इंसान ये सोचता है कि अगर वो 16,000 या 12,000 की सैलरी और उसके बाद अपने मतलब पांच बच्चों के साथ वो ये चीज़ सोचता है कि मैं कैसे घर चलाऊंगा, पहले भी तो चल रहे थे, पहले भी तो सारी चीज़ें चल रही थी, मैं मानती हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, बट वही बात है कि अगर आपने दिल छोड़ दिया, जैसे आपने भी बात की कि आप लोग खुदकुशी को कोई मतलब मुझे रास्ता नहीं नजर आता कि आप खुशी पे हो जाते हैं, एग्जैक्टली आप मायूस हो जाते हैं, आप उनके बारे में नहीं सोचते जो आपके घर में पांच बच्चे, जैसे कि आपने वो प्रेस वाले इंसान की बात बताई है कि वो मतलब उन्होंने ये चीज सोचा नहीं, मैंने प्रॉपर वीडियो देखी, और दस बारह हजार में अगर आप घर चलाने की बात करें तो आप घर 10-12 हजार में आपको देती हूँ, बिल्कुल आप घर चलाकर एग्री करती हूँ कि वाकई में 10-12 हजार में घर नहीं चलता, बट क्या है उसका सकते हैं, मतलब उसका अल्टरनेट ये कि इंसान खुदकुशी करे, खुदकुशी की तो बात नहीं है, की बात नहीं कि हमेशा खिलाफ है, उर्शिया हम भी सिंध गवर्नमेंट की बात करें, और आनंद ने कहा चैरिटी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं चैरिटी करते हैं, हमने पहले की एपिसोड्स में भी कहा, क्योंकि चैरिटी करके कोई ऑफिशियल तो नहीं बताएगा कि मैं इतनी चैरिटी करती हूँ या इतनी नहीं करती, मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी सूबे की या किसी जगह के मिनिस्टर हैं तो अपने लोगों की तो प्रॉब्लम समझे, क्योंकि उन्होंने ही आपको मिनिस्टर बनाया, हमारे पड़ोस में कोई रहता है तो हमें पता ही नहीं होता कि मतलब हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, एंड इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कायनात, हमारे पड़ोस में एक मतलब बूढ़े मतलब वो थे बुजुर्ग, और वो रहते थे और उनका पता ही नहीं था, मतलब आपको पता ही नहीं होता कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, तो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप ये कर ले वो कर ले, आप खुद क्यों नहीं करें, जैसे अनम ने ये बात बोली थी कि भाई हम खुद क्यों ना इनिशिएटिव लें इस बात के ऊपर। जी यूनुस, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए नंबर वन चैरिटी बिगिंस एट होम, वेरी गुड, पड़ोसी के हकूक है हमारे इस्लाम में वो भी पूरे करें, लेकिन मिनिस्टर्स की बात करें, वी आर टारगेटिंग हियर द सिंध गवर्नमेंट, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जो सैलरीज हैं वो हमारे टैक्स पे मनी है, एग्जैक्टली, तो उनकी जिम्मेदारी है टू गिव रोटी कपड़ा मकान, यही तो है ना उनका स्लोगन, ये नहीं है रोटी कपड़ा मकान हेलोवीन हलीम, ये तो नहीं है ना, रोटी कपड़ा मकान है तो वो आपने देना है, आपकी जिम्मेदारी है, जो नहीं थर में मर रहे बच्चे, प्यास से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, वहां पे हालत देखे जाके बच्चों की, exactly. आ जाए दूसरे पॉइंट पे, जहाँ रिक्शे वाली बात कर रही हैं आप, रिक्शे वाले भी कोई मासूम नहीं है, जो टैक्सी वाले और रिक्शे वाले बस ड्राइवर्स हैं, बस तो डीजल पे चलती है, लेकिन जो टैक्सी और रिक्शे जो मेजोरिटी है, एक मतलब मैं बताऊँ एक स्टॉप का आप किसी बोले खान भाई ये इधर तक जाना है, वो 100 रुपए लेगा, अरे 100 रुपए क्या 20 रुपए का रास्ता नहीं है, तो ये लोग भी करते हैं, और देखें ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह देके भी आजमाता है लेके भी आजमाता है, और 10-12 हजार की बात है, मैं फाइनली बात कर दूं, 10-12 हजार में चल सकता है घर, बिल्कुल, जब आपकी वॉन्ट्स और डिजायर्स में डिफरेंस होगा, एग्जैक्टली, हर साल देखें राशन किराया, ऐसे भी घर है कराची में 3,000-3,000 किराया, 6 लोग रह रहे हैं, ये नहीं देखें लॉकडाउन में अजाब था,
पूरे मुल्क में आजाद था चला लेकिन है। फिर भी चल रहा था ना बिकॉज आपकी 10-12 हजार में आई मीन आप कह रहे हैं घर चल सकता है, मैं आपको देती हूँ आप चला कर मुझे अभी दूंगा फिर अगले साल मांगेगा बेसिक नेसेसिटीज में चल सकता है। वी कांट से हम ये नहीं कह सकते कि 10-12 हजार में, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हम अगर स्कूल की फीसें देख लें आप, स्कूल की फीसें भरते भरते बंदा आधा मर जाता है। मगर इसके बाद अगर एक गरीब इंसान की बात करें, उनके पास अपना घर नहीं होता, उनको किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, गैस का बिल देना पड़ता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कराची ऐसा शहर है कि यहाँ पर मिट्टी भी बिकती है। लेट मी फिनिश, ये आपने मेरा डायलॉग कॉपी किया ठीक है? नहीं बट ये मुझे भी पता था। अच्छा ठीक है, पता था। चादर देख के पाऊंगा। देखिए मैं आपको ये बताऊं, 10-12 हजार वाली बात है, यू डिडंट लेट मी फिनिश माय पॉइंट। 10-12 हजार की मैं बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन में तब सिर्फ राशन आता था, आपके एक्सपेंसिस नहीं थे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं था, आपकी डिजायर्स खत्म हो गई थी, आपकी सिर्फ नीड्स थी। ऑन दिस नोट वी वुड लाइक टू एंड शो, बट मैं एक बात कह दूं बस बिफोर वी लीव कि देखे आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं या तो रिसोर्सेज बढ़ाएं या जो रिसोर्सेज उसमें गुजारा करें। ऐसे भी घर हैं, कराची इज द नंबर वन व्हेन इट कम्स टू चैरिटी, पाकिस्तान टॉप थ्री में व्हेन इट कम्स टू चैरिटी। हम लोग ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर बहुत हेल्प कर रहे हैं गरीबों की, बट वेयर इज द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं चूकना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है गवर्नमेंट ने कोई हार्श डिसीजन लिया तो आप अपनी इनकम जनरेट करने के और बहुत से तरीके इसके बारे में सोचे। हमें हम शो एंड कर रहे हैं, बस आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, रोटी कपड़ा मकान हेलोवीन हलीम रसगुल्ला रसमलाई हमें सब चाहिए और इसी हुकूमत से चाहिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।